हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज मैं आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। और आज हम लोग वो जानेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी होता क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो सोर्स होता है आपके किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, जो सोर्स होता है वो पांच सोर्स होता है। फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ आपका होता है इनकम फ्रॉम अदर्स, जैसे गिफ्ट वगैरह की होता है वो चीज। उसका सबसे फर्स्ट सोर्स है वो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। जो इनकम फ्रॉम सैलरी में सेक्शन 15-17 तक डील किया गया हुआ है, और इसी को हमको हम लोग को पढ़ना है, और इसी 15-17 तक के सेक्शन में हम लोग को टोटल सैलरी का पूरा पार्ट है। तो सेक्शन 15 में सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सैलरी का टैक्सेबल कैसे होता है, वो हम लोग क्लियर करेंगे। क्योंकि जितना भी टैक्सेबल इनकम टैक्स रूल में क्या है कि जितना भी टैक्सेबल की अगर बात किया जाता है, जो भी सोर्स का जो टैक्स लगता है वो एनुअली होता है। तो उसी तरह सैलरी का भी टैक्स जो लगेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एनुअली होता है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि सैलरी होता क्या है। तो एज पर सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट जो था आपका 1961 था, और ये सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया हुआ है सैलरी को। क्या 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 हुआ है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस, व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा उस पर टैक्स लगेगा। क्योंकि जो भी आपका सैलरी का जो भी इनकम होता है उस पर आपका एनुअली टैक्स लगता है। अब बात आती है कि ये होता क्या है, ऑन ड्यू बेसिस ऑन और रिसीव्ड बेसिस। ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस मीन्स क्या? तो ड्यू बेसिस का मतलब हो गया जैसे आपके साल के आखिरी दो मंथ में आपका ड्यू पेमेंट ड्यू रहा, कंपनी आपको पेमेंट नहीं की, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो टैक्स उस पर लगेगा। क्योंकि हम लोग लॉजिकली नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक इनकम टैक्स रूल पढ़ रहे हैं हम लोग। क्योंकि इनकम टैक्स लॉ है, और इनकम टैक्स लॉ बोलता है क्या कि आपको एनुअली एक साल का जितना भी सैलरी होता है वो टैक्स लगेगा। लेकिन हम लोग तो जानते हैं क्या है कि उस तक अगर सैलरी आपका एनुअली मिल जाएगा, जब तक जब जब मिलेगा सैलरी उस समय आपका टैक्स लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वन ईयर में जितना आपको एक साल का जितना भी सैलरी होता है उस पर वो टैक्स आपका फुलफिलमेंट लगता है, एनुअली आपका टैक्स लगता है। तो यहाँ पे अगर ड्यूज होती है तो उस कंडीशन पे आपका क्या होगा, आपका सैलरी का पार्ट हो सकता है, वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। और अगर आप एडवांस में ले लेते हो सैलरी, अगर सपोज मे भी अगर एडवांस ले लेते हो, अगर घर में शादी है या किसी अदर पर्पज के लिए अगर आप सैलरी एडवांस लेते हो, फिर भी आपको वो टैक्स पे क्या होगा, उस पर भी टैक्स आपका एनुअली लग सकता है। तो इन दोनों जो पहले होता है वो सैलरी है, सैलरी इज टैक्सेबल, ठीक है। ऐसे मीनिंग हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि इट इज अ रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन for providing certain service on a regular basis. Usually, such remuneration is given on a monthly basis and is earned by employer or employee relationship. Means employer or employee relationship में होना चाहिए और regular basis पे काम करना होना चाहिए, तब जाके वो सैलरी हो सकता है। वो तो सैलरी नहीं है वो। अगर सपोज अगर एक फिल्म का डायरेक्टर है और एक फिल्म का एक्टर है और वो दोनों अगर काम कर रहा है तो वो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं होता, फिल्म खत्म हो गया खत्म, तो वो सैलरी नहीं, वो फी है उसके लिए, वो फी होता है वो, ठीक है। तो जिस तरह से सपोज अगर मान लिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में कुछ दिन के लिए अपना ऑडिट करने के लिए गया हुआ है, तो उसके लिए फी हो रहा है, वो उसके लिए फी मिल रहा है, वो उसके लिए सैलरी नहीं है। तो वहां पर अगर, हाँ अगर ये होता है कि अगर वो ऑडिटर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसके यहाँ परमानेंटली अगर वो वर्क करने लगे, तो उस कंडीशन में वो हम क्या हो सकता है, वो आपका सैलरी का पार्ट हो सकता है। तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी, तो वो सैलरी हो सकता है आपका। वो ये इट इज एन रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे जो वर्क करता है वो हमारे लिए क्या होता है, सैलरी का पार्ट होता है। सैलरी के अलावा होता है एक बेसिक पे है। अब ये बेसिक पे होता है क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे हम लोग। बेसिक पे इट इज अ मिनिमम रेमुनरेशन पेएबल ऑन मंथली बेसिस। ये कोई ऐसा रेमुनरेशन होता है जो मंथली बेसिस पे होता है और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, पूरा आपका मंथली बेसिस पे जो मिलता है और वो आपका क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है बोनस, और बोनस तो बताने की जरूरत नहीं, बोनस आप लोग भी जानते ही होंगे। बोनस ऐसा होता है कि वो आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है ऑन रिसीव्ड बेसिस, जितना आपको बोनस मिलेगा उसी पे टैक्स लगेगा, रिसीव्ड बेसिस पे। कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है आपका बोनस, किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी आपको बोनस देगा ना, अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट ना हो तो आपको वो बोनस नहीं देगा।
तो उस कंडीशन वो रिसीप्ट बेसिस पे वो बोनस पे टैक्स लगेगा आपका, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। जितना आपके कंपनी दे रही है आपको एम्प्लॉय को, जितना मिल रहा है पैसा, वो उसके लिए क्या है आपका बोनस। अब बताते हैं कमीशन का। तो कमीशन क्या होता है, एनी कमीशन पेबल बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल एज सैलरी। फुल्ली टैक्सेबल होता है कमीशन, किसके द्वारा मिलता है, कंपनी के एम्प्लॉयर के द्वारा मिलेगा और उसका आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये एक सैलरी का पार्ट था। अब सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ और अमाउंट मिलता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर बाहर से पढ़ने के लिए आता है तो उसके गार्जियन लोग देते हैं क्या है कि चलो मंथली पेमेंट हम आपको करेंगे, आप पढ़ाई करते रहो। अब उस मंथली पेमेंट में वो क्या करता है कि कुछ अपने पर्सनल यूज भी कर लेता है, कुछ रेंट देता है, कुछ स्कूल का फी भी देता है, हर काम कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो पेमेंट एक बार हमको मिलता है। मान लीजिए अगर मंथली अगर 10,000 रुपये मिल रहा है हमें, तो 10,000 रुपये में हम क्या करेंगे, 10,000 में टोटल चीज मिल गया हुआ है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका जो भी आपका स्कूल का चार्ज है, जो भी आपका कहीं जाने का चार्ज है, मतलब घूमने का चार्ज है, वो टोटल चीज उसमें इंक्लूड है। तो वही आखिर वो एक्सपीरियंस क्या क्या आ रहा है उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो वही अलाउंस कंपनी क्या करती है कि पेमेंट इन कैश, कैश में पेमेंट करती है मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय मंथली, अदर देन बेसिक सैलरी इज कॉल्ड अलाउंस। मीन्स पेमेंट इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा ये पेमेंट किया जाता है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, वो भी मंथली मिलता है अदर देन बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा, ठीक है, बेसिक पे के अलावा, मतलब ये जो आपका बेसिक पे है ना, उस बेसिक पे के अलावा आपका वो क्या होता है अलाउंस आपको मिलता है। मतलब वो तो अमाउंट आपका मिल रहा है, जिस पर जितना काम करो तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा आपका जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिलता है वो अलाउंस होता है, ठीक है। तो अलाउंस बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन उस पर हम कुछ ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं, टैक्स ट्रीटमेंट इन अलाउंस, अलाउंस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो है आपका वो है मेडिकल अलाउंस। अब बात करें मेडिकल अलाउंस की, तो मेडिकल अलाउंस मीन्स क्या होता है, मेडिकल अलाउंस जो मेडिकल पे लगे, ठीक है, अब किसी इम्प्लॉय को कुछ हो जा रहा है तो उसके लिए इम्प्लॉयर क्या करता है, ऑनर क्या करता है, कंपनी का ऑनर क्या करता है कि अपने इम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटी देती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल जाकर देखो, उसके लिए कंपनी पेमेंट करेगी, लेकिन उस पेमेंट पे फुल्ली टैक्स लगेगा, उस पे आपका क्या होगा, टैक्स आपका फुल्ली मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। अब बात आता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस की, अगर हम बात करें तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में सेक्शन 10 सब सेक्शन 40 रूल 2BB के कंडीशन में था ये, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 रूल 2BB। क्या लिखा हुआ है, एग्जेम्प्ट आपकी एक्चुअल ऑन रिसीव पर सेल 100 रुपये पर मंथ है, पर मंथ पर सेल अप टू अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। मतलब कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस पे आपका उस समय लगेगा जब 2 चिल्ड्रेन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन तक आपका 100 रुपये पर मंथ तक लगेगा, अगर 3rd चिल्ड्रेन हो जाते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग जो चिल्ड्रेन होते हैं उस पर आपका फुल्ली टैक्स होगा, लेकिन 2 चिल्ड्रेन को केवल 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के थ्रू आपका वो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस लगेगा। कहीं कहीं CA के लेवल में जो IPCC के जो एग्जाम देते हैं तो उन लोगों के लिए मतलब कुछ चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का कुछ नाम अलग दे दिया जाता है, जैसे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस इज ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रेन बुक अलाउंस एंड चिल्ड्रेन यूनिफॉर्म अलाउंस, कभी कभी ये भी नाम दिया जाता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस को। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस को हम लोग चिल्ड्रेन बुक अलाउंस भी बोलते हैं और चिल्ड्रेन यूनिफॉर्म अलाउंस भी बोलते हैं, क्योंकि IPCC मतलब जो एग्जाम हुआ था उसमें मतलब ये नाम दिया हुआ था चिल्ड्रेन बुक अलाउंस, कहीं कहीं देखा जाता है चिल्ड्रेन बुक अलाउंस मीन चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, अगर सपोज चिल्ड्रेन यूनिफॉर्म अलाउंस है तो मीन चिल्ड्रेन एजुकेशन, ठीक है, वो दोनों बताए। एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मीन सेक्शन 10 सब सेक्शन 40 रूल 2BB के द्वारा दिया गया, इसमें भी आपका 2 चिल्ड्रेन है और 2 चिल्ड्रेन का एग्जेम्पशन लिमिट है जो कि 300 पर मंथ के थ्रू है आपका पर चाइल्ड, अगर एक्स्ट्रा अगर रिमेनिंग चिल्ड्रेन बचते हैं तो उसको आपको फुल्ली टैक्स में लगेगा, बाकी को आपका जो 300 पर मंथ पर चाइल्ड है वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसका भी रूल आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 2BB के द्वारा रूल में दिया गया हुआ है, वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप अपने घर से कंपनी के पास जा रहे हो, कंपनी से घर के पास आ रहे हो, तो वो एक्सपेंस आपको कंपनी पेमेंट करती है, तो उस कंडीशन पे आपको वो टैक्स लगता है,
तो वो टैक्स फुल्ली टैक्सेबल तो नहीं होता लेकिन कुछ तो टैक्स लगता है. जैसे वहां लिखा हुआ अलाउड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर इनकरेड इन ट्रेवलिंग बिटवीन प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस एंड द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी इट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 1600 पर मंथ. मतलब आपका जिस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे 1600 रुपए पर मंथ पे एग्जेम्पशन लिमिट है 1600 रुपए पर मंथ पे. एंड अगर वो पर्सन ब्लाइंड है, कोई इम्प्लॉय अगर ब्लाइंड है या फिर हैंडीकैप्ड है तो उस कंडीशन में वहां पे टैक्सेबल होता है 3200 रुपए पर मंथ के द्वारा टैक्सेबल होता है. अगर आप लोग पुराने बुक देखते हो, टैक्स का पुराने बुक देखते हो तो वहां पे 800 और 1600 रुपए करके दिया हुआ है, तो वो आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, अभी तो रूल जो दिया गया 1600 और 3200 रुपए पर मंथ का. ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है चिल्ड्रन ट्रांसपोर्ट अलाउंस. तो ये आपका कुछ अलाउंस है, बाकी नेक्स्ट अलाउंस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे. सो थैंक यू.